हेलो दोस्तों, अशोक आईटी थ्री में आपका फिर स्वागत है। मेरा नाम है अशोक। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पीएफ में केवाईसी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप अपना पीएफ अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको केवाईसी करना होता है, और केवाईसी करने के बाद ही आप अपना पीएफ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे अच्छे से, और पूरी अच्छे से आपको जानकारियां को समझना है और तभी आप अपने पीएफ को अप्लाई कर पाएंगे क्लेम के लिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए, इसमें कि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों पीएफ से रिलेटेड अगर अभी तक आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यूएएन नंबर आपको आपके ऑफिस से प्राप्त करना होता है, उसके बाद यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होता है, और उसके बाद ही आप अपना पीएफ अप्लाई कर सकते हैं केवाईसी करने के बाद। तो दोस्तों यूएएन नंबर अगर आपको नहीं पता है और आप खुद के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको आधार कार्ड से यूएएन नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बता रखे हैं। इसके लिए यहाँ पे आई बटन दिख रही होगी, इस आई बटन पे आप क्लिक करके आपको पूरा फुल वीडियो वॉच कर लीजिएगा और आप यूएएन नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप यूएएन नंबर एक्टिवेट करना चाहते हैं उसके बारे में भी हम आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन बता रखे हैं दूसरे वीडियो में। इसके लिए यहाँ पे आई बटन दिख रही होगी, इस पर आप क्लिक करके आप अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करने की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपको पीएफ की केवाईसी करनी होती है, जो कि आपको इसी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं। दोस्तों हम अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले हमको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है मेंबर होम। दोस्तों ये जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही पीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी अब सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप साइट पे आपको लगा लेना है, तो यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, जो कि ये बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखा है यूएएन नंबर, तो यहाँ पे सिंपली यूएएन नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पे यूएएन नंबर डालने के बाद सेम उसी के नीचे लिखा होगा पासवर्ड डालने के लिए, सिंपली पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, तो जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको कैप्चा कोड यहाँ पे लिख देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, तो सिंपली साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन होने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर ही आपको पांच ऑप्शन मिल जाएंगे, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट एंड ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों इसमें आपको तीसरे ऑप्शन पे मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको पांच ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे केवाईसी वाला ऑप्शन आ जाएगा, जो कि केवाईसी के ही बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, तो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे लिख के आ गया है एन ओटीपी विल बी सेंड टू योर आधार लिंक्ड मोबाइल विल सबमिटिंग केवाईसी। दोस्तों यहाँ पे लिख के आ गया है कि आधार कार्ड पे जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है दोस्तों उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो आपको ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि मोबाइल नंबर आपका कौन सा लगा है आपके आधार कार्ड पे। दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहले यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अकाउंट नंबर आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, और यहाँ पे दोस्तों कंफर्म अकाउंट नंबर और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है। दोस्तों ये डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे लिखा है वेरीफाई आईएफएससी, तो सिंपली आपको वेरीफाई आईएफएससी पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे यहाँ पे ब्रांच नेम लिखा आ जाएगा, बैंक का नाम लिखा आ जाएगा, उसके बाद अगला केवाईसी का ऑप्शन है पैन का, तो सिंपली यहाँ पे पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों अगर आपका 50,000 से अंदर ही कम है आपका पीएफ, तो आपको पैन से केवाईसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैंक से केवाईसी कर लेंगे और अपना पीएफ अपना अप्लाई कर सकते हैं क्लेम के लिए। पैन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पैन का भी ऑप्शन बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली पैन नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर डाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे ये टिक मार्क कर लीजिएगा, ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे सिंपली। दोस्तों जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद ये पेज आ जाएगा, जिसमें नाम हमारा लिखा होगा, अकाउंट नंबर लिखा होगा, आईएफएससी कोड लिखा होगा, सारी डिटेल्स हमारी लिखी होंगी। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन होगा ओटीपी का, तो सिंपली आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है, जो कि आपके आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गई होगी, वो आपको यहाँ पे ओटीपी डालनी है। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। दोस्तों ये पेन की भी आपकी डिटेल्स पड़ गई हैं, उसके बाद पासपोर्ट का ऑप्शन है, अगर पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल है तो पासपोर्ट से भी आप केवाईसी कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, जो कि इसको जूम कर लेंगे और यहाँ पे देखिएगा लिखा है केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी कि आपकी जो केवाईसी है वो अभी पेंडिंग है अप्रूव होने के लिए, जो कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे स्टेटस में दिखा रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके जो कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वहाँ से अभी ये पेंडिंग है, जैसे ही वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। और दोस्तों पेन वाला भी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, तो दोस्तों ये एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये एक्टिवेट जब हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, ये पेंडिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। दोस्तों दोस्तों पीएफ में केवाईसी करने का यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए और आप अपने पीएफ में केवाईसी कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी पीएफ को अप्लाई कर सकते हैं क्लेम के लिए। दोस्तों
दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी पीएफ में आप अपनी केवाईसी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हुए हैं। आशा करते हैं आप ये डिटेल्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और दोस्तों अगर आप यूएन नंबर पता करना चाहते हैं और यूएन नंबर की जानकारी आपको नहीं है, आप अपने ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना रखे हैं जिसमें सिर्फ आप अपने आधार कार्ड से अपना यूएएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो चल रही होगी, इस वीडियो पर क्लिक करके आप अपने ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपना यूएएन नंबर घर बैठे एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम वीडियो बना रखे हैं पहले से ही, जो कि यहाँ पे वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो पर क्लिक करके आप पूरी फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।